द 100 2024 का थर्ड मैच जो कि खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस वेस्ट फेयर के बीच, आपको इस वीडियो में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड देखने के बाद आपको इस वीडियो दोनों टीम टीम कंपेयर टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दोनों टीमों कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर से देखें। चलिए आज की हमारे इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे इस मैच के इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता है किसी मैच को जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इन दोनों टीमों के बीच जो लास्ट के तीन मुकाबला खेला गया है, ठीक है, तो आपको पता है दो मुकाबले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम जीती है, एक मुकाबले में जो है वेस्ट फेयर की टीम जो है जीत के आ रही है। इन दोनों टीमों के बीच जो लास्ट मुकाबला खेला गया था 2 अगस्त 2023 को, जिस मैच में जो है वेस्ट फेयर की टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए जो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम से जो है 9 रन के अंतर से जीत गई थी। बाकी अगर यहाँ पे दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की बात करें, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे जीती है, 2 मैच यहाँ पे हारी है। वेस्ट फेयर की टीम लास्ट के 5 मैच जो खेली है यहाँ पे 3 मैच ये भी जीती है, 2 मैच ये भी जो है हारी है। बाकी अगर यहाँ पे दोनों टीमों की टीम कंपैरिजन की बात करें तो आपको बता दूं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम लास्ट के 10 मैच जो खेली है 50% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 146 का, हाई स्कोर है 201 रन का, लोएस्ट स्कोर है 85 रन का। बात करें वेल्स फेयर की टीम की, वेल्स फेयर की टीम लास्ट के 10 मैच जो खेली है 40% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 125 का, हाई स्कोर है 159 का, लोएस्ट स्कोर है 87 रन का। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये जो मैच है एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट स्टेडियम में जो ये मैच जो खेला जाने वाला है, अगर पिच की बात करें तो आपको जो है एवरेज का आपको स्कोर देखने को मिल सकता है वही 130 से लेकर 150 के आसपास का, जहां पहले बैटिंग टीम ने जो है 150 प्लस का आंकड़ा बना दिया, रन बना दिया, तब इतना स्कोर इस स्टेडियम में चेस करना जो है मुश्किल हो जाता है। वही अगर यहाँ पर स्कोर जो 125-130 के आसपास रहा तो इतना स्कोर जो आराम से इस स्टेडियम में चेस जो है हो सकता है। बाकी देखिए द 100 के मैचेस में बहुत सारे जैकपॉट उठते हैं, ठीक है, तो मैच जो इंटरेस्टिंग जो ये होने वाला है आपको बताओ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम जो है इस स्टेडियम में जो टोटल 9 मैचेस खेली है, ठीक है, 55% विनिंग परसेंटेज जो है हमें देखने को मिला है। वेस्ट फेयर की टीम में तो एक ही मैच खेली है, 0% विनिंग परसेंटेज देखने को मिला है। जहाँ पे मैच हो रहा है वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का होम ग्राउंड है, आप इस बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। बाकी अगर बात करें मेरे यहाँ पे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में तो आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है दोनों टीम और टीम कंपेरिजन टीम एनालिसिस करने के बाद इस मैच कौन आपको जो वेस्ट फेयर की टीम आपको इस मैच को जीतती दिखाई जो है दे सकती है, बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना मैच शुरू होने से पहले मैच पर भी बड़ी खबर आ जाती है जिस कारण मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है। इसलिए बोला हूँ मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, जब तक बाय।